इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी इजी कुक बुक के किचन में बन रहा है ये फालूदा, होममेड फालूदा, होममेड आइसक्रीम से बनाएंगे और होममेड ही हम बनाएंगे इसकी वर्मिसलीज जो फालूदा में डलती हैं। तो ये सब जो स्टेप्स हैं बहुत ईजी हैं। हाँ, आपको थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन लेंदी भी ऐसे नहीं है, एक्चुअली हमें फ्रीज़ करना है या चिल करना है उसके लिए थोड़ा हमें टाइम चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने एक दिन पहले ही आइसक्रीम तैयार कर ली थी, तो उसके लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया, एक कप कंडेंस मिल्क लिया है 1/3 कप और ये 1/2 कप मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी, तो उनको जो है मैंने ब्लेंड कर लिया, उसकी प्यूरी तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़ाइन प्यूरी है लेकिन मैंने उसको छाना नहीं है। आप चाहें तो उसके छान के बीज अलग कर सकते हैं मगर अच्छे लगते हैं, अगर आपको पसंद हो तो रहने दीजिएगा। ये विप करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, विपिंग कर रही थी कि थोड़ा मुझे लग रहा था टेम्परेचर थोड़ा सा जो है किचन का गर्म था, तो मैंने जो है नीचे बर्फ़ रख लिया था ताकि जो है इसकी जो कूलिंग है वो मेंटेन रख सकें हम लोग, और मैंने इसको विपिंग जो है इसकी इसी के ऊपर की थी। आप देख सकते हैं बर्फ़ रख के जो है ये जल्दी भी विप हो जाता है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें कंडेंस मिल्क, ये 1/3 कप है, ये इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। बस ये सब बहुत आसान है, क्विक आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही जो ब्लेंड की हुई स्ट्रॉबेरीज थी ये मैंने डाल दी, अगर स्ट्रॉबेरीज ना हो आपके पास तो आप जो है वनीला एसेंस डाल दें और ये वनीला आपकी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो कलर यूज़ करें चाहें तो ना करें। हमने ये डाल दिया था, कलर बहुत लाइट पिंक सा था तो थोड़ा सा मैंने और कलर इसके अंदर ऐड किया है, ये रेड फूड कलरिंग है। 2 से 3 ड्रॉप जो हैं काफ़ी होते हैं, मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप डाले थे तो बहुत लाइट सा कलर था, 3 तक भी आप डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा फ्रेश कलर पसंद है तो। बस इसे मिक्स करना है, किसी भी कंटेनर में रखना है और ये जो है आपकी आइसक्रीम तैयार है। नेक्स्ट डे ये बिल्कुल सेट हो चुकी थी, मैंने ये रात में बना के इसको फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं नेक्स्ट डे जो है फालूदा तैयार करूँगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत क्रीमी है, बहुत मज़ेदार है और बनाना बहुत इजी है। शुगर इसमें नहीं ऐड किया है, कंडेंस मिल्क जो है आप टेस्ट करके अपने हिसाब से, अगर स्ट्रॉबेरीज आप डाल रहे हैं और बहुत सार हैं तो खटास को कम करने के लिए जो है आप वो डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क मज़ीद, आप 1/2 कप तक कर सकते हैं। ये मैंने फ्रीज़ कर दिया, नेक्स्ट डे मैंने बनाया, सबसे पहले मिल्क तैयार किया जो हमें थिक मिल्क तैयार करना है फालूदा के लिए। उसके लिए मैंने 2 कप जो है फुल क्रीम मिल्क ले लिया था, साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने पाउडर मिल्क ले लिया था और 2 टेबलस्पून जो है मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया था। इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया, चूल्हे पे रखा और इतना पका लिया हिला हिला के कि वो थिक हो जाए। बेसिकली हमको ये जो है थिक मिल्क तैयार करना है, इसमें आप शुगर डाल के भी बना सकते हैं, आप सिर्फ जो है पाउडर मिल्क और जो है शुगर डाल के इसको तैयार कर सकते हैं। जब ये तैयार हो जाए तो इसको किसी भी कंटेनर में, ग्लास में, मग में रख के आप फ्रिज में रख दीजिएगा, इसको भी चिल करना है हमें। साथ ही मैंने 2 तरह की जेली बना ली है, ये भी आपके अपने ऊपर है, आप 2 जेलीज बना लें, 3 कलर की बना लें और कोई भी कलर जो आप लेना चाहें, ग्रीन एंड येलो ले लें या आप रेड एंड येलो ले लें, तो ये अपनी चॉइस है आपकी। फालूदा जो है वो जितना कलरफुल होता है वो उतना ही अच्छा लगता है। अब हम बना रहे हैं वर्मिसलीज, उसके लिए मैंने पानी तैयार कर लिया था, हमें उसके लिए चिल्ड पानी चाहिए तो ठंडे पानी में मैंने बर्फ़ डाल के रख लिया था। साथ में मैंने 1.5 कप जो है पानी लिया है, 1/2 कप कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून शुगर, इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स किया है और इसको इतना पका लेना है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, जो वाइटनेस है वो भी काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो के ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। और मुसलसल चम्मच चलाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको,
और ये ठंडे पानी में जो है आपको इसको डालना है, किसी भी पाइपिंग बैग में आप निकाल लें इसको। थोड़ा मुश्किल होता है, आप चाहें तो कोई कपड़ा यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, थोड़ा सा उसमें से स्टीम निकल जाए तो आप जो है उसे डाल सकते हैं पाइपिंग बैग में। अब इसके साथ मैंने ये भिगा के रख लिया था तुक मलंगा बेजिल सीड्स, ये आप जो हैं इसको भिगा के कम से कम जो है दो टीस्पून है, इसको भी आधा एक घंटा कम से कम भिगा के रखना पड़ता है। ये सब तैयार है हमारी चीज़ें और अब हम करेंगे अपने फालूदा के ग्लास को असेंबल। जेली को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। क्रश जो आइस है वो डाल रही हूँ सिर्फ इसलिए कि ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। फालूदा की वम इसलिए हमारी तैयार है, ये हम डाल देंगे इसके ऊपर। जब आप ठंडे पानी में डालें तो उसको फ़ौरन ना हिलाएं, थोड़ी देर छोड़ दें और फिर इसे पानी में ही रखिएगा। ग्लास के प्रिपरेशन के लिए आप जो चीज़ जिस वक्त डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये मिल्क डाल दिया है, आप चाहें तो पहले आइसक्रीम डाल दें फिर मिल्क डाल दें। इसके अंदर आप मज़ीद फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं, मैंने फ़्रेश क्रीम डाला है थोड़ा सा ताकि वो जो है मज़ीद क्रीमी लगे। और ये आइसक्रीम जो हमने तैयार की थी ये मैं डाल रही हूँ, इसके साथ ही जेली डाल देंगे। और ऊपर भी आप अगर डेकोरेशन के लिए पाइनएप्पल डाल दीजिए, एप्पल डाल दीजिए, बादाम पिस्ते कटे हुए हों वो डाल दीजिए और इसको स्ट्रॉ और स्पून के साथ जो है आप सर्व कीजिए। और मुझे बताइए आपको कैसा लगा, आपको दिखने में कैसा लग रहा है, और फिर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये बनाना बहुत आसान है, आप बिल्कुल डरिए नहीं है, इसके स्टेप ज़्यादा भी लग रहे हों लेकिन ये बनाना जो है वो बहुत इन्जॉय करेंगे आप इसे बना के, और जब खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई भी रेड सिरप रू अफज़ा या आप जामे शीरी जो भी यूज़ करते हैं वो डाल लीजिएगा। और आप देख सकते हैं ये ठंडा ठंडा जब आप खाएंगे या पियेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलामुअलैकुम।